12th of June 2022, JET 1 question answers, सवाल जवाब. तो अभी हम सवाल जवाब का ये जो है हम ये करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, मगर ये बहुत सारे सवालों का जवाब हमने अभी ये जो सिस्टम है दे दिया है. तो बहुत सारे सवाल जो है ऐसे रिपीट भी हुए हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ ये पढ़ने के लिए. मुझे किसी भी बात की ज़्यादा विचार करने की आदत लग गई है. ये आदत जो है सबका है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही विचार करते हैं. हर कोई व्यक्ति विचार करता है और हर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा विचार कर रहा हूँ, क्योंकि ये आदत ही है मन का, ये कार्य करने का तरह है. तो आप अपना आपको अलग मत समझिए कि आपका ज़्यादा विचार आ रहा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. आप कर ही नहीं रहे ना, आपके विचार, आप अगर आप कह रहे हैं कि विचार आए, आप तो नहीं कह रहे ना विचार आए, वो अपने आप ही आते हैं. तो उसका विचारों का किस तरह से स्थिति है वो समझना है कि वो अव्यक्तिगत है, वो अपने आप ही आ रहे हैं, अपने आप ही रह रहे हैं और अपने आप ही जा रहे हैं. और दूसरा बात क्या है कि वो विचार जो है अनिच्छा है, मीन्स वो विचार जो है परमानेंट नहीं रहते, हर समय नहीं रहते, वो आते हैं कुछ समय तक रहते हैं वो चले जाते हैं. और दुख कहाँ पे है, आप उससे झगड़ा करते हैं. अगर विचार है तो विचार क्या है, सत्य है. आप उस विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या कर रहे हैं, विचारों से झगड़ा कर रहे हैं, सत्य से झगड़ा कर रहे हैं. अगर सत्य से झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, आपको दुख पैदा होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है. बुद्ध का बेसिक ये यही चीज़ है कि आपको ये तीन चीज़ें समझनी है. ये तीन चीज़ें जो है विश्व के अंदर जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है. ओके, सारे विश्व के अंदर इसका कोई तोड़ नहीं है. ओके, ये सबको अगर बुद्ध है या बुद्ध नहीं भी है तो यही चीज़ें जो है सारे विश्व के अंदर आपको ये सच मिलेगा. जो अगर हमारा ये सूर्य है, सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा. इससे पहले कोई दूसरा सूर्य था, वो समाप्त हो गया था. उससे पहले कोई दूसरा सूर्य था, वो समाप्त हो गया. उससे पहले एक बिग बैंग बोलते हैं वो लोग, कि सारी चीज़ें का एक विस्फोट हुआ था. वो विस्फोट हुआ तो और अभी ये क्या होता है, ये विस्फोट होने के बाद में सारा विश्व ऐसा एक्सपैंड करता है, फैलता है. तो जब ये फैलता है तब वहाँ पे जीवन रहता है. फिर ये इस तरह फैल जाता है कि वहाँ पे कोई जीवन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता है. तो फिर इस तरह से एक जगह पे ऐसा ठहरता है. इसको असंख्य कहा जाता है. जो एक्सपेंशन है वो असंख्य है. तो वो एक पार्ट हो गया, फिर वहाँ पे ऐसा ही पड़ा रहेगा. वो एक पार्ट होगा, फिर क्या होगा कि धीरे 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 ये पूरा विश्व एक साथ में ऐसा आ जाएगा. वो एक साथ में आ जाएगा और वहाँ पे एक असंख्य का टाइम पे वो रहेगा और फिर से ये एक्सप्लोजन होगा. तो ये चक्र ये विश्व का भी, पूरे ब्रह्मांड का भी आपको ये चक्र चल ही रहा है. तो कोई भी चीज़ जो है अनित्य है और अनाथा है. कोई इसे प्रोग्राम नहीं कर रहा है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है. वो अपने आप ही विस्फोट होता है, अपने आप ही एक्सपांड होता है, अपने आप ही ठहर जाता है, अपने आप ही वापस आता है, अपने आप ही फिर वैसे ही रहता है. तो ये चार असंख्य को मिला के एक महाखापा होता है. तो एक असंख्य कितना टाइम लगता है, कितना टाइम है, तो बुद्ध ने कहा बहुत मुश्किल है वो बताना आपको कितना टाइम है. मगर वो एक एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि समझो आप ग्रेनाइट समझते हैं ना, सबसे कठोर जो है पत्थर है ग्रेनाइट. समझो एक मील दूर का ग्रेनाइट है. ओके, एक मील दूर, और एक मील दूर इस तरह से, एक मील दूर ऊपर, इतना बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर है. कोई व्यक्ति आता है 100 साल के अंदर एक बार, 100 साल के बाद एक व्यक्ति आता है, एक छोटा सा कपड़ा लेता है और उसके ऊपर ऐसा करके स्वाइप करता है. और ये एफर्ट से ये पूरा एक माइल का जो क्यूब है वो पूरा समाप्त हो जाता है. उतना समय में एक महाखापा शुरू होके अंत भी नहीं होता, उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है एक महाखापा को. तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर समझो एक जगह पे समझो एक नदी है या झरना है, उसके नीचे कोई पत्थर है, कितना समय लगता है उस पत्थर को घिसने के लिए, आप देखेंगे कि वर्षों के वर्षों घिसते हैं. तो अगर वो 100 साल के अंदर एक जो सिल्क का कपड़ा है जो बहुत ही ये रहता है, सॉफ्ट रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, वो सॉफ्ट कपड़े से आप वो एक बार ऐसा करता है, उस एफर्ट से वो पूरा एक माइल का जो है पूरा गायब हो जाता है. तो कितना साल उसको लगेगा
वो पूरा गायब होने, वो एक एक जो असंख्य है, ऐसे चार असंख्य मिलके एक महाकापा है। और आप लोगों ने असंख्य महाकापा आप लोगों ने बिताए हैं। तो ये क्यों आपका ये चक्र खत्म नहीं हो रहा है? ये चक्र इसलिए खत्म नहीं हो रहा है कि आपने इसको समझा नहीं है। और कब समझने के लिए क्या चाहिए? बुद्ध की वाणी चाहिए। तो तीन तरह के बुद्ध रहते हैं। एक है बुद्ध जो है सम्मा संबुद्ध, जैसे गौतम बुद्ध जो ने अपने आप ही ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने हमें ये ज्ञान की शिक्षा दी। और दूसरा है पच्चे का बुद्ध। पच्चे का बुद्ध ने अपने आप ही ज्ञान प्राप्त किया मगर वो उस स्थिति में नहीं थे कि आपको सिखा सके। फिर तीसरा है सावक बुद्ध। सावक बुद्ध क्या है? जिसने सम्मा संबुद्ध का वाणी सुना और अरहंत हो है, वो सावक बुद्ध है। तो तीन प्रकार के बुद्ध हैं। तो आपको अगर बुद्ध की वाणी नहीं रहेगी तो फिर आपको क्या है कि बुद्ध ने जितना मेहनत किया है उतना मेहनत करके आपको ये पच्चे का बुद्ध बनना पड़ेगा या सम्मा संबुद्ध बनना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना समय लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि दो महाकापा और कितने असंख्य, या एक महाकापा और कितने असंख्य, इस तरह से कहा जाता है। तो अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स में अब हम लोग बोले तो एक जो एक महाकापा है समझो 110 बिलियन बरस से ज़्यादा है। तो आपको उतना समय आपको बिताना पड़ेगा आपको खुद ही ये जानकारी पाने के लिए। मगर ये जानकारी आपको बुद्ध ने दी है तो आप ये जानकारी पाके जो है सतिपतन छुट्टे में कहा गया है कि आपने अगर 7 साल आपने किया मेहनत तो आपको ये मिल सकता है ज्ञान, पूरा ज्ञान मिल सकता है। आप अनागामी हो सकते हैं या अरहंत हो सकते हैं, या फिर आपने उस तरह से 6 साल 5 साल 2 साल 1 साल समझो 6 महीना 15 दिन 7 दिन भी आपने अच्छी तरह से इसका प्रयास किया तो आपका जो है अनागामी या अरहंत आप हो सकते हैं। तो आप 7 दिन भी अगर बराबर इस तरह से जैसे बुद्ध ने कहा है आप प्रयास करेंगे तो आपको बोधि प्राप्त हो सकती है। मीन्स आपको ये जो है आपका जो अवेकनिंग है, आपका जो सोतापन्ना है या सकदागामी है या अनागामी है, वो आप बन सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये अकालिको है। अकालिको का मतलब क्या है कि कोई भी जो समय का इसके ऊपर असर नहीं रहता है। अगर ये शिक्षा अगर है सही है तो आपको इसका असर आएगा ही। सो ये इसके अंदर क्या है, खास ते लेख देर पर जो बात बिन बीत गई है, बीत गई बातें का भी हमने ऐसा हमने बताया। भविष्य के बारे में चिंता, भविष्य के बारे में चिंता के भी हमने बात की है। क्या ध्यान करने से मन के पूरे विचार शांत हो जाते हैं? देखो, ध्यान करने से अगर मन के विचार शांत होते हैं तो वो जो है साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट आप समझते हैं ना, वो जो अतिरिक्त जो आपको कुछ मिलता है वो है। वो जो जो मेडिटेशन का जो है मेन गोल नहीं है। मेडिटेशन का मेन गोल क्या है? आपका समझ, आपकी समझ आप विकसित करें, वो आपका मेडिटेशन का मेन गोल है। आप शांत होते हैं उसका मेन गोल नहीं है, और आपका जो प्रयास है शांत होने का नहीं है। ओके, आप अगर शांत हो सकते हैं तो शांत हो जाइए। अगर आपके हाथ में है तो आप शांत हो जाइए। किसने रोका है आपको? कोई आपने अपने आप को कहते हैं मैं शांत हो जाऊं तो हो सकते हैं? तो फिर ये अपने हाथ हाथ में है, व्यक्तिगत होता है। अगर मैं मेरे हाथ में है कि इसको मैं उठाऊं तो ये क्या है, मेरे हाथ में है तो मैं बोलता हूं कि मैं उठाऊं, ये मैं फेंकूं तो मैं फेंक सकता हूं इसे। क्यों? क्योंकि ये मेरे नियंत्रण में है। तो ये जो नियंत्रण में आपके हैं वो आप व्यक्तिगत कह सकते हैं। ओके, अगर मुझे ये पीना है तो मैं पानी पी सकता हूँ, नहीं पीना है तो ऐसा मैं रख सकता हूँ बाजू में। तो ये मेरे नियंत्रण में है चीज। जो अपने नियंत्रण में नहीं है उसको क्या कहेंगे आप? अनाथा या अव्यक्तिगत। तो ये जो तुम्हारे विचार है वो विचार क्या है? अव्यक्तिगत है। तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। शांत होना जो है कोई ये जो है साइड इफेक्ट है जो आपको जैसे जैसे आप आगे जाते हैं मेडिटेशन में वो आपको मिल सकता है, मगर वो हमारा एम नहीं है।
और हमारा वो कार्य नहीं, हमको शांत करना कार्य नहीं, हमें देखना है कि किस तरह ये मन जाता है। और जहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेरा मन भटकने से पहले क्या हुआ, आप शांत करते हैं, वहाँ पे रिलैक्स करते हैं, वापस आते हैं, तो क्या होता है जैसे जैसे वो समझते हैं तो उस तरह वो समझ के हिसाब से आपका मन शांत जाता है, एकाग्र होता है। मगर ऐसा नहीं है कि आप शांत करते हैं तो मन शांत होता है। आप मन को दबा सकते हैं, वो जो शांति आती है मन दबाने से, वो शांति जो है आपका वो दबाव निकलने पे वो अशांत हो जाता है मन फिर से, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? आपका समझ, आपका जो प्रज्ञा बोलते हैं उसे, विजडम, हाँ, चिंतन मन। तो वो चिंतन मन आप अपना अगर आपने विकसित किया तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या ध्यान करने मनुष्य ये क्या है, असली प्रगति के ओर जा सकता है? असली प्रगति तो क्या है, आपका जो मन का समझना वो असली प्रगति है। तो हाँ, अगर आप ध्यान करते हैं तो ही आप असली प्रगति के ओर जा सकते हैं। क्यों आप जा सकते हैं असली प्रगतियों के ओर? क्योंकि असली प्रगति का जो आपका डेफिनेशन है वो है आप दुख से सुख की ओर जाते हैं। तो दुख कब पैदा करते हैं आप? अविद्या से पैदा करते हैं। अविद्या के कारण आप दुख पैदा करते हैं। आपका 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 जितना जितना आपको आपका विद्या आएगा, आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, उतना उतना आप सुख के ओर जाएंगे। तो आपको जो जर्नी है आपका, जो हमने चार जो बुद्ध बताते हैं जो चार आर्य सत्य, उसके अंदर क्या है कि दुख है। ऐसा नहीं है कि सारे विश्व दुख है, हर एक चीज़ दुख है। अगर सुख ना हो तो दुख का पता कैसे चले? अगर सब कुछ दुख है तो फिर सुख का कैसे पता चलेगा? तो अगर सब कुछ सुख है तो दुख का कैसे पता चलेगा? तो दुख है, ये आर्य सत्य है कि दुख है और दुख का कारण है। ओके, वो कारण क्या है? आपका चिपका, और उसका एक निवारण है। उसका निवारण क्या है? आप उस चिपकाव से दूर होना। तो हम क्या कहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करते हैं आप ये कि मेरा मन भटक गया, तो वो दुख है आपका जो आया है, आप उसको छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, रिलैक्स स्माइल करके वापस आते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो उसको क्या है, आपको छोड़ देना वो आपका उसका निवारण है, और उसका एक पथ है। पथ क्या है? अष्टांगिका मार्ग। वो अष्टांगिका मार्ग पे आप चल के करते हैं। तो जब आप ये 6R करते हैं तो पूरा अष्टांगिका मार्ग आप पूरा करते हैं। आप अगर स्माइलिंग भी करते हैं तो भी आप जो है ये 8-fold पाथ फुलफिल करते हैं। तो उसका बारे में भी हम एक बार ले लेंगे कि 8 जो अष्टांगिका मार्ग है वो स्माइल से किस तरह जुड़ा हुआ है, वो एक दिन हम ले लेंगे वो चीज़। नेगेटिव थिंकिंग को कैसे रोकें? मन में डर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे हमने नेगेटिव थिंकिंग के बारे आज बताया कि सारे वो आपको प्रयास करने हैं। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग है उसके पर ध्यान नहीं देना है, आपको डर लगता है तो आपको सोचना है कि ये डर जो है मेरा डर नहीं है, ये डर आया है, ये डर नहीं था अभी ये डर है, और ये अपने आप ही चला जाएगा। क्यों चले जाएगा बताइए मुझे, क्यों चले जाएगा ये डर? हाँ, अनित्य है, क्योंकि ये अनित्य है तो आपको कोई चीज़ परमानेंट रहेगी नहीं। तो उससे आपको सोचना है कि किस तरह से, तो उसके अंदर बुद्ध जैसे बताते हैं उसके अंदर का जो खराब चीज़ है वो आपको देखना है कि इसके अंदर के क्या नुकसान मुझे हो रहा है विचारों का। ध्यान करते समय मैत्री भावना में वही बातें रिपीट करनी चाहिए। वो बातें जो है बार बार नहीं करना है आपको, मंत्र की तरह बार बार मेरा मित्र सुखी रहे, मेरा मित्र सुखी रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए एक बार बोलना है कि मेरा मित्र सुखी रहे, फिर ऐसा रहेगा तो 5 मिनट के बाद फिर से बोल सकते हैं मेरा मित्र सुखी रहे। अगर वो भी आपको ऐसा बोरिंग लगता है तो आप बदल सकते हैं, मेरा मित्र आप बोल सकते हैं कि संतुष्ट रहे, मेरा मित्र संतुष्ट रहे, मेरा मित्र रोग मुक्त रहे, मेरा मित्र रोग मुक्त रहे। तो उस तरह से आपका जो सेंटेंस है आप बदल सकते हैं। ओके, तो एक ही एक सेंटेंस बोलने का ज़रूरत नहीं है और बार बार वो सेंटेंस बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको मन का ध्यान अपने हृदय पे रखना है जहाँ पे आपका मेत्ता की भावना है, और वो मेत्ता की भावना पे आपका ध्यान देना है। ओके, और आपका जो शब्द है वो 5% ही है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है।
बाकी जो समझो 95% है वो आपका यहाँ पे आपका ध्यान रहना चाहिए मेहता की भावना। 1 या 2% आप बोल सकते हैं एडिशन, अगर आप चित्र देख सकते हैं आपने मित्र का तो आप मुस्कुराते हुए चेहरा देखिए उनका, अगर नहीं देख सकते हैं तो सिर्फ ये करना काफ़ी है। ओके कोई क्योंकि ध्यान तो लंबा चलता है ये फिर कुछ और कहना चाहिए, तो ऐसे मैंने कहा आप और कुछ कह सकते हैं आपके हिसाब से, मगर वो मेहता के लाइन में ही रहना चाहिए। आप सुखी रहे, आप समृद्ध रहे, आपका जो इलनेस फ्री ऑफ इलनेस रहे, वैसा आप कोई भी आप वाक्य कह सकते हैं जो उसके लिए हितकारी है। अपने अनागामी पद के लिए विस्तार से कहा कि अब इनका आगमन नहीं होगा। आगमन कहाँ पे नहीं होगा? पृथ्वी पे आगमन नहीं होगा। ओके सो वो पृथ्वी पे जन्म नहीं लेगा, वो जो जन्म लेगा वो लेगा ब्रह्मलोक में। उसको ऐसे 5 ब्रह्मलोक है, उसको जो है वो अनागामी ब्रह्मलोक ही है, वहाँ पे जो जाता है वो वापस नहीं आता है पृथ्वीलोक में, ये संसार में नहीं आता है, वहीं पे उनका उद्धार होता है। अभी इसके बारे में अभी डिटेल से हम बता सकते हैं। देखो समझो कोई अनागामी है तो उसका जो है अरहंत कब होगा, समझो उसने फल अनागामी का पा लिया, वो अरहंत कब होगा? वो मृत्युशैया पे हो सकता है अरहंत, एक है मृत्युशैया पे हो सकता है अरहंत, या जब मृत्यु घट रही है तब वो अरहंत हो सकता है। ओके या मृत्यु के समय जब मृत्यु होती है तब वो समय पे वो अरहंत हो सकता है, या फिर मृत्यु के बाद में शरीर से उनकी चेतना निकलती है और ब्रह्मलोक पहुंचने से पहले, ब्रह्मलोक पहुंचेगा भी नहीं उससे पहले उसका जो है वो अरहंत हो सकता है। और पांचवा है अगर वो यहाँ से उनका चेतना निकलती है ब्रह्मलोक में टच करता है तो वहाँ पे उनका अरहंत हो जाएगा, जैसे ही टच करते हैं वो अरहंत हो जाएंगे, या ब्रह्मलोक में थोड़ा समय रहने के बाद में वो अरहंत हो जाएगी, या ब्रह्मलोक में ज़्यादा समय रहने के बाद में वो अरहंत हो जाएंगे। तो ऐसे 7 ऐसा अलग अलग सूत्ता में बताया गया है, कभी सूत्ता में 5 बताया गया है, कभी सूत्ता में 6 बताया गया है, कुछ सूत्ता में 7 तरीके बताए गए हैं। तो अलग अलग सूत्ता में अलग अलग तरीके से बताया गया है किस तरह से अनागामी का जो है अरहंत के फल मिलता है उनको, तो उस तरह से ये जानकारी जो है सिर्फ अभी एकेडमिक है, तो अभी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो आप अगर जैसे जैसे करेंगे इसके बारे में आपको और आपके मेडिटेशन से ही पता चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा कि हम सिर्फ एक गाइड हैं, हाँ आप ही एक शिक्षक हैं, अपने शिक्षक हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके मन में मैं देख सकता हूँ क्या? तो आप ही देख सकते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं तो उसके ऊपर जो करेक्शन करना है वो कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ? नहीं, आप ही कर सकते हैं। तो जो भी हो रहा है वो आपके मन में हो रहा है, और जो भी उसका ठीक कार्य करना है, जो भी कार्य कल बताया गया था मज्जी महीने का 19वें या मज्जी महीने का 20वें अभी कार्य, वो कौन करेगा? वो आप ही करेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है मन में आपके घट रहा है, तो वो शिक्षक कौन है? आप ही खुद अपने शिक्षक हैं, तो आप ही हम अपने आप को सिखा सकते हैं, हम सिर्फ आपको ये मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो हम मार्गदर्शक हैं, तो हम मार्गदर्शन देंगे, फिर जो कार्य करना है वो आपको करना है। Sometimes I feel very lonely and depressed. I can't focus on my work. I am always sad about my upcoming future. So ये क्या है कि ये चीज़ जो आपको होती है, जैसे कभी बोलते हैं कि मैं निराश हताश हो जाता हूँ और काम पे ध्यान नहीं दे सकता और भविष्य के बारे में चिंता रहती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपनी नहीं है, ये पहले आपको समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ नॉट माई सेल्फ, ये पहला आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये मैं नहीं हूँ। और डिप्रेशन का जो हमारा बंते विमल रमसी ने बराबर से बताया था वो है, इसके अंदर भी आपको डिप्रेशन का आपको विवरण मिल सकता है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि संपर्क होता है, संपर्क होता है मीन्स एक आँख है, कोई देखने वाली चीज़ है, और ये दोनों का मिलन होता है और आँख का विज्ञान जो ये है वो जागरूक होता है, कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं आई कॉन्शियसनेस। तो ये तीनों का मिलने का मतलब है संपर्क होता है, संपर्क होने पे क्या होता है कि वेदना होती है,
ओके, ये वेदना के अंदर आपका दृष्टिकोण भी है, पर्सपेक्टिव भी है, ओके। सो आपका ये जो दृष्टिकोण है, वो जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि ये दृष्टिकोण का के अंदर जो है आपका पूरा जो अतीत है उसके अंदर शामिल है वो दृष्टिकोण के अंदर, क्योंकि आपका सीखा हुआ जो आदत है वो दृष्टिकोण के द्वारा। तो दृष्टिकोण क्या कहता है कि ये मुझे पसंद है या मुझे ये नापसंद है। पसंद होना या नापसंद होना क्या होता है, ये है जो अभी यहाँ पे क्या बताया, चिपकना या उपादान, उपादान होता है, ओके। पाली में उपादान कहते हैं या चिपकना कहते हैं। तो आपका उपादान होता है क्योंकि आपको पसंद है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके बारे में क्या क्या उसको आप हासिल करने की कोशिश करेंगे, हाँ, क्रेविंग है, ये क्रेविंग है, क्रेविंग है रहेगा तो क्या करेंगे आप, ये अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, आपको दूर करना है इसे, हाँ हाँ, क्या आपने बोला, हाँ, हेट्रेड। तो ये जो दोनों चीज है, दोनों चीज है, आई लाइक इट आई डोंट लाइक इट माइंड, मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है, तो उसके ऊपर से क्या होता है, चिपकाव पैदा होता है, ओके। चिपकाव जो है उसके उससे क्या होता है कि आपको आता है कि आपके जो जो भी आपके ख्याल है कि क्यों मुझे ये पसंद है, क्यों मुझे ये ना पसंद है, उस सारे ख्याल वो आपके घेरते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका हैबिचुअल टेंडेंसी बोलते हैं हम लोग, आदतन जो आपका होता है, तो अगर ये होगा तो आप वो करेंगे, ओके। तो ऐसा अगर आपके भावना आएगी तो आप वैसा करेंगे, तो उसका क्या होता है कि एक कार्य का जन्म होता है। कार्य का जन्म क्या है कि अगर ये होगा तो आप तनाव आ जाएगा आपके अंदर, तो वो साइकिल का क्या होता है, फिर अंत होता है। तो उस तरह से आपका कोई एक ऐसा फीलिंग आता है, आप उसे झगड़ा करते हैं, तो क्या करते हैं उसके ऊपर और आप ऊर्जा डालते हैं, आग के अंदर तेल डालने के बराबर आप और भड़केगा, और भड़केगा तो आप और गर्मी होगी आपको, तो और इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, और पेट्रोल डालते हैं, तो और आप जलेंगे। तो फिर क्या होता है कि आपका जो शक्ति है वो पूरी व्यय हो जाती है, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा जो ये साइकिल है रॉन्ग साइकिल पे गए हैं, आप साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पे गए हैं, तो आपका पूरा जो एनर्जी कोलैप्स हो जाता है, तब आप मैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर समझो आपका जो आप अगर समझते हैं कि ध्यान क्या है, व्यक्तिगत चीज़ होना क्या है, अनिच्छा क्या है, दुख क्या है, अगर ये समझते हैं तो आपका क्या होगा, अगर ऐसा फीलिंग आए तो आप क्या बोलेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, और आप क्या करेंगे उसको क्या करेंगे उसको रिहा कर देंगे, रिलैक्स करेंगे, स्माइल करेंगे और वापस आपका कार्य पे लग जाएंगे, जो भी आप कार्य करते हैं जीवन के अंदर। तो आप अगर आपका मन का जो स्थिति किस तरह से कार्य कर रहे हैं वो आप समझते हैं, तो आप उसे दूर हो सकते हैं। इसके अंदर आपको साइकिल जो है वो अच्छा साइकिल आप चालू करते हैं, तो अच्छा साइकिल में क्या होता है, अच्छा ही अच्छा होते जाता है, तो धीरे 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 निकलता है। जैसे मैंने आज भी एक उदाहरण दिया था कि अगर समझो इतना बड़ा बकेट है, ओके, उसके अंदर पानी है, ओके, अभी उसके खाली करना है, तो मेरे पास एक सिर्फ चम्मच है, तो मैं एक चम्मच लेके उसका खाली करता हूँ, ओके। तो फिर ऐसे खाली करते जाऊँगा तो कभी ना कभी तो ये बकेट खाली होगा, मगर समझो मैं वही चम्मच से इसमें पानी डालते जाऊँगा तो क्या होगा, ये बकेट और भरते जाएगा और ये कभी खाली नहीं हो सकता। तो जब आप कोई चीज़ को बराबर समझते नहीं है, उस चीज़ के जो सत्य को समझते नहीं है, तो आप क्या करते हैं, बार 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 वो गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हकीकत है, जो सत्य है, जिस तरह सत्य है उस तरह ही आपको देखना है। अगर आप वो बार बार आप सत्य को सत्य की तरह देखते रहेंगे तो क्या होगा, आपका मन के अंदर जो है क्लैरिटी आएगी, मीन्स आपको सीधा सीधा दिखेगा क्या हो रहा है। तो कभी कभी ये जो है आपको शांत भी होता है मन, कभी कभी उत्साही भी होता है, कभी कभी बहुत जॉय भी आता है, उल्लास भी आता है। क्यों आता है ये, क्योंकि आपका समझ, आप समझिए आपका मन के बारे में, आपने समझा और उसको छोड़ दिया, तो क्योंकि वो छोड़ दिया उसके ऊर्जा निकल गई, तो फिर आपका जो अस्तित्व में जो आपका मन का जो खुशी है वो वापस आएंगे। आपने वो खुशी मांगी थी या आपने वो खुशी को आपने बनाया था, नहीं, वो खुशी को आपने बनाया नहीं है, आपने मांगी नहीं है, वो जो खुशी भी है वो खुशी भी अपने आप ही आती है, अपने आप ही रहती है, अपने आप ही जाती है, वो खुशी भी अनाथा है,
वो भी अव्यक्तिगत है, मगर आपने सही कार्य करने पे क्या होता है, आपको खुशी का अनुभव होता है, और गलत कार्य करने पे क्या होता है, दुख का अनुभव होता है। तो अगर आपको सही कार्य हम बता रहे हैं उस कार्य पे ही आप लगे रहेंगे तो आपको आपको जो है कभी भी आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरा टाइम एक मित्र को ही मैत्री भावना देना चाहिए। हाँ, पूरे टाइम जब तक हम ना कहें तब तक आपको एक ही मित्र लेना है, फिर बाद में हम आपको एक दूसरा प्रैक्टिस देंगे जिसके अंदर और आपको 16 या समझो 12, 13, 15 और लोगों को भेजना है, उसको ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बैरियर्स बोलते हैं, दीवारें तोड़ना, फिर उसके बाद में अलग हम प्रैक्टिस देंगे। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, जैसे जैसे आप ये जो प्रैक्टिस में और निपुण होंगे, अभी क्या है कि आपका मन जो है ना इतना ऐसा था, धीरे 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 शांत होगा। धीरे कब शांत होगा, जब आपने प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बुद्ध बताते हैं कि जैसे एक तालाब है, उसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है फिश है, ओके, मछलियाँ हैं, उसके अंदर एक सुंदर सुंदर पूरे वहाँ पे झाड़ है, वो मगर बहुत सारा हवा चल रहा है और पानी जो है उथल पुथल हो रहा है, तो आप नीचे कुछ देख सकेंगे नहीं, क्योंकि वो पानी उथल पुथल हो रहा है तो आप नीचे कुछ नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे शांत होगा पानी और समझो स्थिर होता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि अरे इतना खूबसूरत यहाँ पे मछलियाँ हैं, इतना खूबसूरत यहाँ पे झाड़ है, तो वो सारी चीज़ें आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मन शांत होगा तो आपका जो सही अस्तित्व है वो आपको सामने आएगा। वो सही अस्तित्व क्या है, वो खुशी का है। तो वो जो खुशी है वो आपका डिफॉल्ट सेटिंग है, तो आप ये सारी चीज़ें निकालेंगे तो वो डिफॉल्ट सेटिंग में आएगा, तो आप उसका पैदा नहीं करते। क्यों ऐसा होता है कि अगर समझो हमारे वहाँ पे साधक, समझो 50 साधक आए और 50 साधकों ने किया, तो उसके अंदर 40 से ज़्यादा साधकों को खुशी का एहसास होता है क्योंकि उन्होंने फॉलो किया। मेरे गुरु कहते हैं कि 100% जो फॉलो करता है उसको खुशी का एहसास होगा, क्योंकि वो जो फॉलो करते हैं आप, उससे आप जो है अपना ही मन को शांत करते हैं, तो आप अपना ही जो अस्तित्व का जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो उस खुशी है, वो आप प्राप्त करते हैं। वो कोई पैदा नहीं होता है, आप पैदा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सही प्रयास कर रहे हैं। आप सही प्रयास करते हैं तो फिर बाकी का चीज़ अपने आप ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बताया गया कि ये क्या होता है, अगर समझो ये जो ये हुआ, समझो यहाँ पे स्पर्श हुआ, स्पर्श होगा तो वेदना होगी, वेदना होगा तो तन्हा होगा, तन्हा होगा तो उपादान होगा, उपादान होगा तो भव होगा, भव होगा तो जाति, जाति होगा तो जरा मरण शोक, वो सारे चीज़ें होगी। तो इसके अंदर क्या है कि कोई आपको ये जो चीज़ है कंट्रोल नहीं है। एक अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपका वो अच्छा जो परिणाम है वो मिलेगा ही, साइकिल में मिलेगा ही। तो ये कोई बाहर से नहीं आ रहा है, ये किसी का वरदान नहीं है, ये आपका ही कार्य से आपका मन विचलित हुआ है और आपके ही कार्य से आपका मन शांत होगा। तो अगर आपने अपना कार्य करना छोड़ दिया तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा मन इस तरह से है या उस तरह से। आपको ये समझना है कि आपका कार्य क्या है। आपको मुस्कुराने के लिए कहा गया है तो आपको मुस्कुराना है, ये सजेशन नहीं है, इंस्ट्रक्शन है, ओके, ये सुझाव नहीं है, ये हमारा जो है आदेश है कि ये इस तरह से करना है, आपको स्माइल करना है, आपको अच्छा लगे तभी स्माइल करना है, ऐसा नहीं, आपको जैसा भी हो वैसा स्माइल करना है, तो आपको खुशी से रहना है। आप इससे झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ही मन है, आपका ही विचार है, आपके अंदर ही वो प्रकट हो रहे हैं, तो उससे झगड़ा क्यों करना। अगर मन विचलित है तो विचलित है, आपको देखना है, अगर नहीं आप मुस्कुरा सकते तो हंसना है। हमारे बंदे जी कहते हैं अगर मुस्कुरा नहीं सकते तो हंसना, अंदर ही मंद मंद हंसना के कह मेरा दिमाग कैसा पागल है, या अभी अभी ये स्थिति कैसी है मेरी पागलपन की, तो उससे अपने आप ही हंसना है, जोर जोर से नहीं हंसना है, मगर अपने आप ही अंदर हंसना है। अगर मुस्कुरा नहीं सकते तो हंसो, ओके, और जितना हो सके उतना लाइट रखो। ये कोई बहुत भारी काम नहीं है, ये हल्का काम है बहुत, तो आप सुख रहेंगे, सुखी रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आपका कार्य भी होगा। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा मेडिटेशन में, आपको सक्सेस क्या है, आपके मन के बारे में आपको जानकारी मिलना, वही आपका सक्सेस है। क्योंकि जैसे आपको मन के बारे में जानकारी मिलेंगे, जो दुख पैदा करने वाले आप कार्य बंद करेंगे और सुख पैदा करने वाले कार्य करना चालू करेंगे,
ओके तो ये लास्ट है, मेडिटेशन करते समय नींद नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सन को नींद आती है, संत सभी को, हाँ सभी को नींद आती है, मगर कुछ कुछ लोग रहते हैं जो ज़्यादातर नींद मीन्स ज़्यादातर लोगों को नींद आती है, मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसके अंदर व्याकुल हो जाते हैं, जैसे चंचल हो जाना, तो नींद आना या चंचल होना उसके अंदर ऊर्जा का कार्य रहता है। जैसे आपने बहुत मेहनत करना कोशिश की, आपने ज़्यादा ज़्यादा सीरियस लिए, तो फिर आप क्या होगा, मन चंचल हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत ऊर्जा डाल दी उसमें, ओके। और अगर समझो आपने बहुत रिलैक्स हो गए, ओके, और आपने इंटरेस्ट नहीं लिया आपने कल्याण निमित्त में, तो क्या होगा, आपको नींद आएगी, ओके। तो नींद आने के लिए क्या पहला करना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था ऐसे सीधा बैठो, ऐसा मैंने कहा था कि ये पीठ का नॉर्मल नहीं है, पीठ ऐसा है तो आपको ऐसे आसान तरीके से बैठना है, मगर अगर नींद आती है तभी आपको ऐसा बैठना है, एकदम ओवर सीधा, ओके। ओवर सीधा बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ही आपका ऐसा शरीर ऐसा नीचे जाएगा, आपको पता चलेगा मेरा नींद में जा रहा हूँ, तो फिर आप सीधा कर लेंगे फिर से। तो ये एक हुआ। दूसरा, आप अपने कल्याण मित्र में और रुचि लेंगे। अगर आप उसका दृश्य देख सकते हैं तो उसका चेहरा देखिए और मुस्कुराते हुए देखिए, और आप कल्याण मित्र में आप ये रुचि लेंगे। और दूसरा बात क्या है कि आप जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ा आप ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा आप ज़्यादा उसमें एनर्जी देंगे, थोड़ा आपका जो एफर्ट रहेगा जो है स्माइलिंग ज़्यादा रहेगा, आप यहाँ पे है ऐसा है तो और स्माइल भी आपको ज़्यादा करना है। तो अगर स्माइल कम होता है तो आपको पता चलता है कि मेरा ध्यान जा रहा है, अगर ऐसा शरीर होना चालू होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि इससे पहले क्या हुआ, नींद आने से पहले, फिर ऐसा अगर हुआ आपको पता चलता है कि ये मेरा नींद आ रहा है, तो फिर आप सीधा हो जाएंगे। तो आपको आपको झपकी आने से पहले आपको ये पता चलेगा। फिर दूसरा चीज़ क्या करना चाहिए कि अभी भी नींद नहीं जा रही है तो उठना चाहिए और उल्टा चलना चाहिए। अगर आप अगर ऐसा चलते हैं तो फिर ऐसा 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 करके उल्टा चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे जहाँ पे आप गिर नहीं सकते, जैसे सपाट ज़मीन है वहाँ पे आपको चलना चाहिए, ऐसा ऐसा पहले चलना, समझो 10 कदम ऐसा चले तो 10 कदम पीछे आना, फिर 10 कदम ऐसे चले 10 कदम पीछे आना, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा है, आपका मुंह पे पानी डाल सकते हैं जो सबको आपको पता है। फिर चौथा है कि आप जो है ना बाहर जाके बैठ सकते हैं, अगर समझो यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, लोग नहीं, कभी कभी ये पर्यटन स्थल है तो बहुत लोग आते हैं, तो अगर बाहर कोई नहीं है तो बाहर आप बैठ सकते हैं और सूरज की तरफ देख सकते हैं, या जो आकाश है आकाश की तरफ ऐसा देख के फिर ऐसे बंद करके आंखें आप करना है। तो जब आपने आकाश की तरफ देखा तो आपको ये एक एक्सपांस का महसूस होगा, तो उससे भी आपको नींद जो कम आना रहेगा। तो एक है, आप बाहर बैठ सकते हैं। और बुद्ध कहते हैं अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपका कान जो है ना, कान को जोर से दबाना चाहिए, तो वो हम रिकमेंड नहीं करते, मगर वो लास्ट रिजॉर्ट है। कान को जोर से दबाएंगे तो आपका वो पेन से आपका नींद जाएगा, मगर अगर आप जितना हमने कहा है उतना करेंगे तो आपका नींद जाएगा, क्योंकि आपको 8 घंटा नींद मिलना ही चाहिए और आपको मिलेगा ही। 10 बजे आप सोएंगे, अभी क्या हुआ है 7:45 हुआ है, तो समझो अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उसके बाद में समझो 8 बजे भी ख़त्म करते हैं, तो समझो 8:15 बजे तक वापस आएंगे, आप बाथरूम जाएंगे, थोड़ा टहलेंगे, वापस आएंगे, तो आप फिर से बैठ सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा, तो मिनिमम बैठ सकते हैं 1 घंटा बैठें, फिर आप जाएंगे 10 बजे, 10 बजे सोएंगे, तो आपको उठना कब है, 5 बजे, 5 बजे उठेंगे तो आपको कितना 7 घंटा, फिर दोपहर में खाने के बाद में आपको 2 घंटा मिलता है, उसके अंदर 1 घंटा आप सो जाएंगे, तो 8 घंटा नींद आराम से होगा, तो फिर आपको नींद नहीं आना चाहिए, ओके। तो उतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई और सवाल है? मैंने जो पहला मेडिटेशन स्टार्ट किया 5 मिनट में बैठ सकता था, एक बार मैं 15 मिनट बैठा तो मैं भाग के, मेरे जब मदर भी थी और मेरे सिस्टर, उनको भाग भाग के मैंने बताया 15 मिनट बैठा मैं,
तब जब तब मैं दूसरा मेडिटेशन कर रहा था, एक ओम का मेडिटेशन था वो मैं कर रहा था, यहाँ बुद्ध का मेडिटेशन नहीं। फिर जब मैंने गोयनका जी का शिविर किया तो एक भी वक्त अधिष्ठान के समय मैं एक घंटा बैठ नहीं सका, एक भी समय नहीं बैठ सका। मगर मुझे सातवें आठवें दिन में बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मगर अधिष्ठान के अंदर मैं एक घंटा कभी भी बैठ नहीं सका। उसके बाद में मैंने और प्रयास किया, घर पे प्रयास किया, धीरे 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 जाके फिर मैं तीन घंटा आराम से बैठ सकता था। तीन घंटा जब मैं फिर थाईलैंड गया था, थाईलैंड में जाके वहाँ पे तीन से कभी कभी चार घंटे तक बैठता था। जब मैंने फिर हमारे गुरु से और लिया इंस्ट्रक्शंस और उस तरह से, तो मैं मैक्सिमम पाँच घंटा बैठा हूँ। सो ये जो है धीरे धीरे अभ्यास से आपका बैठना होता है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं पाँच घंटा बैठा हूँ तो वो एक एक स्टैंडर्ड है। जैसे जिस एक एक लेडी थी मलेशिया के अंदर, एक बोधी हार्ट करके एक मेडिटेशन सेंटर में, वहाँ पे हमारा शिविर चल रहा था, हमारे गुरु जो वो शिविर ले रहे थे। तो वो लेडी आई और उनको बोला गया कि वो बहुत अच्छा किया, पहला ही मेडिटेशन रिट्रीट था। उसकी सिस्टर जो है ना दो तीन मेडिटेशन रिट्रीट कर चुकी थी, उसको उसने बोला कि बहुत अच्छा है यहाँ पे आओ। तो उसने बोला कि हाँ मैं यहाँ पे आती हूँ। तो वो जो है तीन घंटा चार घंटा बैठती थी, पहला मेडिटेशन रिट्रीट है, उसने कभी मेडिटेशन किया नहीं है और ये पहली बार वो मेडिटेशन करने आए हैं, तीन या चार घंटा बैठे। तो हमारे बंती जी ने बोला, जो पाँचवा या छठा दिन था, बोला कि आप जितना बैठ सको उतना बैठो। तो वह बोला मैं रात को कोशिश करती हूँ। तो फिर वो रात को कुछ सात बजे या ऐसा कुछ या साढ़े सात बजे हमारा बंती जी का प्रवचन ख़त्म हुआ तब वो बैठी। तो दूसरे दिन सुबह कुछ सात साढ़े सात बजे तक वो बैठी, तो बारह घंटा वो पहला रिट्रीट था उसका। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग ये समय रहता है आगे बढ़ने का। जैसे मैं एक दूसरी जगह पे गया था, इंडोनेशिया में रिट्रीट कर रहा था, तो वहाँ पे जो ये मेरा पहला रिट्रीट था, तो एक जो आदमी था वहाँ पे वो 12 घंटा बैठा था एक बार, और एक दूसरी एक लड़की थी उसको हमारे बंते जी ने बोला जितना समय बैठ सको उतना बैठो और आप कमरे में जाके बैठो। तो उन्होंने कमरे में जाके बैठा और उनको मॉनिटर करते थे दो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, साधक है और जो सेवा देते हैं वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनका ध्यान रखा। वो 24 घंटा बैठी। और कुछ जो हमारे साधक हैं जो आगे बढ़ते जो अनागामी स्तर तक रहते हैं, वो जो है 36 घंटा, 72 आवर्स, 72 घंटा और उससे भी ज़्यादा बैठे हैं मेडिटेशन में। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आप उतना बैठ सकते हैं। जितना जितना आप अपने विचारों से झगड़ा काम करना चालू करते हैं, और जो मैंने टारगेट दिया है किसी को वो टारगेट के हिसाब से आपको करना है। आपको गुरु का जो है ना, जो हमने यहाँ पे बताया है, आपका जो हम मार्गदर्शक है, हम गुरु नहीं मानते मगर मार्गदर्शक मानते हैं। तो हमने जो मार्गदर्शन दिया है वो आपको मार्गदर्शन फॉलो करना है। अगर हमने आपको बोला है 45 मिनट बैठना है तो बैठना है, तो आपको थोड़ा मेहनत करके वो बैठना ही है। आपको बोला गया कि डेढ़ घंटा आप बैठते थे तो दो घंटा मैंने बताया, तो दो घंटा बैठने के लिए बोला तो दो घंटा बैठना है ना? तो ये इंस्ट्रक्शंस है, सजेशंस नहीं है, तो उसको फॉलो करना है। स्माइल करने के लिए बोला तो स्माइल करना ही है। ओके, तो उस तरह से हर एक का जो कैपेसिटी के हिसाब से आप आदमी बढ़ता है। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपका अलग अलग तरीके से बढ़ेगा। जैसे मेरा कैपेसिटी अभी इतना ही है, मगर किसी और का कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बुरा हूँ और वो अच्छा है, ज़्यादा बैठेगा तो अच्छा है। मगर जो बैठता है उस बैठने के अंदर वो समझता है। तीन घंटा जो है एक कट ऑफ है, तीन घंटा अगर बैठते हैं तो आप बराबर से समझ रहे हैं इस कार्य को। तीन घंटा अगर कोई भी बैठता है तो वो समझ रहा है ये कार्य को, और ये पता है कि किस तरह से ये चल रहा है, ये आपको पता चल रहा है, क्योंकि आप अपने आप को जो है स्ट्रेस या जो तनाव में नहीं डाल रहे हैं। तो जब तनाव में नहीं रहेगा तो बॉडी क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। बॉडी रिलैक्स रहेगा तो आप बॉडी कंफर्टेबल रहेगा, जब बॉडी कंफर्टेबल रहेगा तो आपको तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा तो आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उस तरह से मेरे हिसाब से 80% जो लोग आते हैं मेडिटेशन के अंदर वो तीन घंटा तो बैठ ही सकते हैं। तो उस तरह से आपको बैठना है। और कोई सवाल?
सब क्लियर हो गया है ना? आपको आपको पूछना है एज भिक्खु के हिसाब से रात का हम खाना नहीं खाते हैं, मगर कुछ कुछ चीज़ें हमें अलाव रहती है। नहीं, मेरा मेरा जैसे कोई भी जो रहता है वो शाम का खाना नहीं खाता है, ओके। अगर समझो उनका बीमारी है, ओके, या मेडिकल रीज़न है, तो बुद्ध ने जो है विनय बनाया है, उसी लिए वो विनय के अंदर उन्होंने एक्सेप्शंस दिए है। अगर किसी का मेडिकल रीज़न है तो वो खाना खा सकता है, इसलिए यहाँ पे किसी का भी जो मेडिकल रीज़न है उनको खाने के लिए बोला है। अगर मेडिकल रीज़न नहीं है तो फिर नहीं खाना है, फिर आपने आपको जो है हमने हम छील लेते हैं विकाल भोजन वेरमणि, तो उसका जो मतलब क्या है कि आप दोपहर के खाने के बाद नहीं खाएंगे। मगर हमारे बंदे जी ने टाइम का लिमिट नहीं रखा है, अगर समझो आप ज़्यादा बैठते हैं, समझो अभी तो कोई मीन्स एक दो ही है जो 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं, समझो किसी को ज़्यादा बैठना है तो बैठ के लेट भी खाना खा सकते हैं, मगर जो भिक्खु रहता है वो लोग शाम का खाना नहीं खाते हैं। जो खाते हैं उनका मेडिकल रीज़न रहेगा, जैसे डायबिटीज़ है या एसिडिटी है, तो वो खाना खा सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो दोपहर के बाद हम खा सकते हैं, जैसे वो लोग का कुछ प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से खा सकते हैं, जैसे जूस है वो ले सकते हैं हम, फिर जो क्या बोलते हैं हनी, शुगर, मोलासिस, फिर जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ वाला कुछ चीज़ें हैं, कुछ पत्ते हैं जैसे जिंजर है, वो लोग जिंजर खा सकते हैं, वो लोग कुछ उसको शुगर में डुबा के जिंजर बनाते हैं, थाईलैंड में बहुत भिक्खु लोगों को दिया जाता है वो, तो वो आप खा सकते हैं। फिर जैसे तेल घी है वो का है वो खा सकते हैं, तो ऐसा एक चतुमधु करके एक डिश भी बनता है जिसके अंदर तेल जाता है, घी जाता है, मोलासिस जाता है और उसके अंदर शुगर जाता है, वो सब मिलके वो घी और शुगर वो सब मिला के वो एक बनाते हैं, वो खा सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं वो खा सकते हैं, उसको अलाउड बोलते हैं। जैसे चॉकलेट भी अलाउड है, क्योंकि चॉकलेट जो है बीन से बनता है, जो एक तरह का मेडिकल प्लांट गिनते हैं, तो उस तरह से अलग अलग चीज़ें वो लोग अलाउ करते हैं। और जो भिक्खु का संघ रहता है वो भी एक डिसाइड करता है कि ये चीज़ आप अलाउ करते हैं ये चीज़ नहीं, तो उसको हम अंग्रेजी में अलाउबल फूड्स बोलते हैं, जो चीज़ें आप ले सकते हैं वो चीज़ें ले सकते हैं। भिक्खु का मतलब क्या है कि दोपहर के बाद ये चीज़ें आप खा सकते हैं, अगर बीमार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज़ जो डॉक्टर बोलता है या उसके बीमारी के अनुरूप रहती है वो चीज़ खा सकते हैं, मगर बाकी सारे लोग ये दोपहर का खाना के बाद नहीं खाते। और भिक्खु लोग समय का भी ज़रा ध्यान रखते हैं, तो 12 बजे या जो अगर सूर्य जो है सूर्य का परछाई दूसरी तरफ पड़ता है तब से खाना नहीं है ऐसा। आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बताया गया है पंचशील के बारे में, ओके, पंचशील के बारे में बताया गया, अगर पंचशील भी आपने पालन किया तो बहुत सारे सुत्ता में इस तरह बताया गया है कि आपने अगर समझो पंचशील का पालन किया और आपने बुद्ध धम्म संघ के बारे में विचार करते हैं, इसका चांटिंग नहीं, चांटिंग का मतलब क्या होता है, आपने सिर्फ आई पिसो भगवा जो आप पढ़ते हैं वैसा पढ़ना नहीं, उसके बारे में मंथन करना, अगर वो मंथन करते हैं तो आप अपने आप को सोतापन्ना कह सकते हैं, तो वो इतना आपको बेनिफिशियल है सिर्फ 5 शील का पालन करना। और एक कहानी है जिस बुद्ध कहते हैं, ये सूत्र के अंदर ही बुद्ध ने कहा है कि ऐसे एक 33 जो है मित्र थे एक गांव के, तो वो 33 मित्र ने आके बोला कि हम 4 शील का पालन करेंगे, तब बुद्ध का समय नहीं था, तो बुद्ध के शिक्षक के हिसाब से उनको पंचशील के बारे में पता नहीं था, उनको 4 शील के बारे में पता था, तो उन्होंने बोला कि हम 4 शील पालन करेंगे, और उन लोगों ने पूरे जीवन वो 4 शील पालन किए। और वो उन्होंने मदिरा का शील उन्होंने लिया नहीं था, मगर शायद उन्होंने मदिरा पान किया नहीं किया वो उसका विवरण नहीं दिया गया है, मगर वो 4 शील उन्होंने पालन किए, तो उनको इतना सारा ये मिला, पुण्य मिला कि उनके लिए कोई देवस्थान नहीं था, तो उनके लिए एक अलग देवस्थान बनाया गया, उसको बोलते हैं हेवन ऑफ द 33,
तो 33 दोस्तों के लिए ये 33 लोगों का जो हेवन है वो बनाया गया है और वो वहाँ पे वो करते हैं। और वो उसका अगर आप हिंदू जो रिलीजन में उसके अंदर भी आप एक लिंक आप देख सकते हैं कि उनका जो जो राजा रहता है 33 इसका उसको शाक्य बोलते हैं या इंद्र का जो तरह के उनका नाम है। सो वो जो है जो जो हेवन है उनको सिर्फ 4 शील पालन करने पे उनको ये प्राप्त हुआ। तो शील पालन करने पे बहुत आपको फायदा है, इसलिए हम यहाँ पे शील के ऊपर जोर देते हैं। अगर आपने शील तोड़ा भंग किया तो क्या करना है, और एक बार आप शील ले सकते हैं। आप बुद्ध का मूर्ति है तो उसके पर रह सकते हैं, बुद्ध की मूर्ति नहीं है तो आप खुद ही ले सकते हैं। अगर आप कोई वहाँ पे भिक्खू है या विहार में जाके भी ले सकते हैं, तो जैसा आपको लेना है वैसा है, मगर कोई का रिस्ट्रिक्शन नहीं। आपको खुद ही लेना है तो खुद ही ले सकते हैं और वो शील का पालन कर सकते हैं। शील का पालन करना ऐसा है कि जैसे आप ये जो ये ब्रह्मांड के जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। अगर वो ब्रह्मांड के नियम का पालन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कहा जाता है, जैसे एप्पल गिरा तो न्यूटन को पता चला कि कुछ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और उन्होंने इसके बारे में एक थियोरी निकाली ग्रेविटी का। मगर वो ग्रेविटी का जो है वो न्यूटन रहे या ना रहे वो ग्रेविटी ग्रेविटी की तरह काम करता है ना। तो अगर वो आप समझते हैं कि जो आप अच्छा करते हैं उसे अच्छा ही होगा और जो बुरा करते हैं उसे बुरा ही होगा, आप उतना समझते हैं, तो फिर आप पंचशील को पालन बराबर कर सकते हैं। और अगर आप पंचशील का पालन करते हैं तो आप कुछ भी करें दुनिया में, आपका धर्म का क्या नाम है, आप कहाँ जाते हैं, कौन से मस्जिद में जाते हैं या कौन से गुरुद्वारा में जाते हैं या कौन से टेंपल में जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पंचशील का पालन करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर बाकी का आपको कोई ऐसा नहीं कि बुद्ध को ही बेनिफिट मिलेगा या जो नहीं बुद्ध है उसको बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा नहीं। ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ है ये भी यूनिवर्सल लॉ है। तो ये लॉ का अगर पालन करेंगे तो आपको फायदा होगा। आठशील का पालन करना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप करते हैं तो आप को कठिनाई ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप दैनिक जीवन में जी रहे हैं तो आप उसका स्ट्रक्चर नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप शाम किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अरे चाय तो ले लो, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं चाय नहीं पी सकता, या पी सकता हूँ कि नहीं पी सकता मुझे पता नहीं, मुझे विनय का मुझे ज्ञान नहीं है पूरी तरह से। तो वो सब चीज़ें हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी अलाउड है, चाय और कॉफ़ी अलाउड है, कुछ के अंदर चाय और कॉफ़ी विदाउट मिल्क अलाउड है। तो उस तरह से अलग अलग भी रूल है। सो आपको ये सारे रूल के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप ये हो जाएंगे, यहाँ पे तो जो भी रूल है आपको पता है उस हिसाब से, मगर उसका ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पांच शील का भी पालन करते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आपको ये जो है स्वर्ग जो है उसका जो है उसका गारंटी है, आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर पंचशील और बुद्ध धम्म संघ के बारे में आप सोचते हैं तो फिर आपको सोतापन्ना का ये फल मिल सकता है। पांचशील, हाँ वो पांचशील, बाकी का शील जो है विकाल भोजना है, फिर जो आपका नचगीतवा देता है, फिर आपका जो जो लास्ट जो है हमने बदला है उसके अंदर उच्च सहना वहाँ सहना है वो हमने बदल दिया है, क्योंकि हमारे बंदे कहते कि आप ऐसे भी कोई वो जो बेड थे वो बहुत ही बड़े बेड थे, उसके अंदर पिलर लगे रहते थे और उसके नीचे वो लोग ये डालते थे आकृतियाँ डालते थे बचाने के लिए, आप वो लोगों से भूत प्रेत से बचाने के लिए। तो वो सारे जो बेड है सहन बेड वो हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेत्ता का भावना का हमने बताया है। तो हम 6 भी देते हैं शील, जो आगे के 5 हैं और फिर छठा है, और जो तीसरा शील है हम यहाँ पे अगर लेते हैं हाँ तो अब्रह्मचर्य बोलते हैं। फिर अगर जब हम 5 शील लेते हैं तो मिच्छाचारा वैरमणि बोलते हैं, मीन्स गलत काम नहीं करेंगे। अब्रह्मचर्य का मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं, कोई भी चीज़ जो सेक्स से जुड़ी है नहीं करना है। मगर मिच्छाचारा का मतलब है कि आप अपना जो पार्टनर है उसको छोड़ के किसी के साथ नहीं जाते हैं, अगर कोई नाबालिग है उसके साथ नहीं जाते हैं, कोई भी चीज़ किसी को कष्ट देती है वैसा काम नहीं करते हैं, और कोई भी लॉ जो है जो आपका
यहाँ का जो कानून है वो कानून नहीं तोड़ते हैं, वो मिच्छाचारा के अंदर आता है। आप ब्रह्मचर्य में कुछ भी आप करते नहीं, जो भी चीज़ सेक्स से जुड़ी है वो कोई भी चीज़ आप नहीं करते। तो ऐसा आपको पंचशील जो है हम आपको बाद में जब आप जाएंगे लास्ट दिन तब हम लोग आपको पंचशील या छः शील देंगे, जो मेत्ता का भी शील आप लेके जा सकते हैं और आप कर सकते हैं और वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसी हिसाब से जो आप अगर ये शिविर में आए हैं तो आपका जो यहाँ पे जो कार्य है उस कार्य के हिसाब से आपको अब्रह्मचर्य का दिया गया है, मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन का, अब्रह्मचर्य नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य तो आप समझते हैं, तो सेक्स नेचुरल है तो आपका जो वाइफ है या पार्टनर है, यहाँ पे वाइफ का एग्जैक्टली यूज़ नहीं किया गया है, पार्टनर का यूज़ किया गया है। तो जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ ही आप ये करेंगे जो भी कार्य करना है, और जो दूसरे जैसे आपको धोखा नहीं देना है उसके हिसाब से वो नहीं। फिर नाबालिग का क्यों नहीं करना चाहिए, नाबालिग के अंदर, क्योंकि आप वो जो परिवार है जिसके अंदर वो महिला है या जो पुरुष है वो रहता है या रहती है, तो उसके परिवार को दुख पैदा होगा और वो किसी के अधीन रहते हैं, तो उसको वो आपको तोड़ना नहीं है। तीसरा क्या है, कोई भी सेक्स का एक्ट के अंदर किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसा अगर आपका पार्टनर भी रहेगा तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपका तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, कोई भी जो कानून है इसके बारे में बनाया गया है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो जो भी आपका जो देश का कानून है उसे आपको पालन करना है, तो उस तरह से तो नेचुरल है मानते हैं। मगर जैसे योगी भी इस तरह सुत्ता में भी बहुत बार बताया गया है, और ऐसे योगी के अंदर भी है कि जब भी वो लोग जैसे ब्रह्म मीन्स जो ब्राह्मण रहे या कोई ऋषि है वो लोग शादी भी करते थे, मगर वो सिर्फ एक ही बार जब तक बच्चा नहीं होता तब तक ही वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते, एक बच्चा हो गया उसके बाद में वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ऐसा भी वर्णन किया गया है। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि किस तरह से आपका जीवन आपको बिताना है, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, मगर आपको कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव एक्टिविटी में आ जाती हैं, तो आपके उसके बाद में आप पूरी तरह से आपको ये छूट दी गई है। तो ये पांच चीज़ें क्या नहीं करना है वो भी बहुत ही आसान है, जो किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए, वो आप सब लोग समझते हैं कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कहता है हत्या करो। आपको किसी से जो ना दिया गया वो नहीं लेना है, मीन्स चोरी नहीं करनी है, तो मिच्छाचार नहीं करना है। ओके, सेक्सुअल मिसकंडक्ट। फिर चौथा क्या नहीं करना है, आपको जो आपका जबान के अंदर चार चीज़ें बताई गई हैं, एक चीज़ है आपको जो है गलत चीज़ें नहीं बोलनी है, झूठी बातें नहीं बोलनी है। फिर दूसरा क्या है, आपको व्यर्थ बातें नहीं करनी है, चुगली या जो भी व्यर्थ की बातें करते हैं वो नहीं करनी है। आपको कटु शब्द नहीं बोलने हैं, कटु शब्द क्या बोलते हैं, जैसे किसी को ठेस पहुंचती है वैसे कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर आपको ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे दो लोगों में या दो गुटों में झगड़ा हो। निंदा की बातें जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि आप तो कितने अच्छे हैं, वो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, वहाँ पे जाके बोलने के आप तो कितने अच्छे हैं वो बुरा बोलते हैं, वैसा बातें नहीं करना चाहिए, निंदा की बातें नहीं करना चाहिए। दो जो गुट है या दो व्यक्ति है उसको झगड़ा नहीं लगाना चाहिए, वैसे बातें। फिर पाँचवा क्या है कि कोई भी शराब है और कोई भी मादक द्रव्य है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने दिमाग से अपना पूरा काम करते हैं। ऐसा रिसर्च किया गया है कि एक बियर का ग्लास पीने के बाद में उन लोगों को ड्राइविंग टेस्ट करवाया गया। लीगल लिमिट शायद दो बियर का है, मगर उनको सिर्फ एक ग्लास बियर का दिया गया और उनको ड्राइविंग टेस्ट करवाया गया, और सब लोगों ने वो ड्राइविंग टेस्ट फेल किया। सिर्फ एक बियर का ग्लास पीने से आपका मन का जो है स्थिति संतुलन बिगड़ती है। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप इसका आपका अगर समझो कार्य ही मन का देखना है और मन से ही कार्य करना है, तो आपका मन जो है कितना हानि पहुंचेगा अगर आप मादक द्रव्य लेते हैं, तो उस हिसाब से मादक द्रव्य नहीं लेना चाहिए। ओके, और कोई सवाल?
तो अभी हम लोग एक शेयरिंग ऑफ मेरिट करते हैं, ये हम लोग साथ में पढ़ेंगे। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपात सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देव नागा करे पुण्य का अनुमोदन, चेर काल रखे बुद्ध शासन।